Welcome, my dear students, in this new topic. Now, our today's topic is the system clock of 8051. ये टॉपिक में हम 8051 माइक्रोकंट्रोलर को जो सिस्टम क्लॉक फ्रीक्वेंसी या क्लॉक सिग्नल सप्लाई करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो 8051 माइक्रोकंट्रोलर ऑपरेशंस आर सिंक्रोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लॉक पल्स व्हिच इज जनरेटेड बाय द ऑसिलेटर सर्किट। वहाँ पे एक ऑसिलेटर सर्किट अवेलेबल रहता है और उसी ऑसिलेटर सर्किट के दो पार्ट्स आपको वहाँ पे दो सिग्नल्स अवेलेबल रहते हैं, दैट इज XTL 2 एंड XTL 1 एंड द सर्किट मे बी द वन ऑफ द टू टाइप अलग अलग दो अलग विभिन्न टाइप के सर्किट रह सकते हैं। एक तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर रह सकता या दूसरा TTL ऑसिलेटर भी रह सकता। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट इज अ रेजोनेटर सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ द क्रिस्टल एंड द कैपेसिटर विच इज शोन बिलो। यहाँ पे दिखा है क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्रिस्टल विद 12 मेगाहर्ट्ज। देखिए यहाँ पे 8051 माइक्रोकंट्रोलर है, 8051 माइक्रोकंट्रोलर के ये जो दो है ये दो दो पिन थे, हमने इसके पहले ऑलरेडी स्टडी किए थे। ठीक है, तो वहाँ पे XTL 1 एंड XTL 2 पिन नंबर 18, 19 और 20 तो ग्राउंड है, ये अपने को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, दो यहाँ पे क्या करते हैं ये कि यहाँ पे फिजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं दोनों के बीच में, जिस कॉल दैट पर्टिकुलर क्वार्ट्ज मटेरियल एंड दो कैपेसिटर यूज़ करते हैं जिसकी जो साइज़ है वो 30 पिको फैरड के जो कैपेसिटर यूज करते हैं। और ये क्रिस्टल ये ऑसिलेटर के थ्रू 12 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, 12 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। तो दिस इज़ अ क्रिस्टल ऑसिलेटर। द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज़ द बेसिक इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोकंट्रोलर एंड द रेंज ऑफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज़ टू 16 मेगाहर्ट्ज़, ये रेंज रहती है। एंड अबव ऑसिलेटर जनरेट द पल्स स्टेज एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। यहाँ पे उसके डायग्राम भी दिखाई है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की, तो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। ये फ्रीक्वेंसी है P2, P1, P2, P1, P2, P1 एट कम्प्लीटली सर्किट से स्लाइड वन स्लाइड स्टेट वन स्टेट टू स्टेट अप टू स्टेट सिक्स, उसके बाद उसकी ए एल ई भी यहाँ पे अवेलेबल है। ए एल ई मीन एड्रेस लैच एनेबल विद 8051 टाइमिंग सर्किट ऑल्सो अवेलेबल, बिकॉज एज पर द 8051 टाइमिंग सर्किट इट इज टू बी अप्लाइड। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी दी है जिसमें अलग अलग स्टेट्स है, स्टेट वन स्टेट टू स्टेट थ्री अप टू स्टेट सिक्स। तो स्टेट वन से लेकर स्टेट सिक्स तक ये पूरे कंप्लीट वन मशीन साइकिल होगी। ये मशीन साइकिल के बीच में ही हमने एएलई अप्लाई कर दिया, दैट इज एड्रेस लैच एनेबल। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल भी अप्लाई कर दिया। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल विच इज टेकन टू एग्जीक्यूट द सिंपलेस्ट इंस्ट्रक्शन वंस, इट इज कॉल्ड एज अ मशीन साइकिल। अ सिंगल मशीन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेट्स और 12 क्रिस्टल पल्स, 6 स्टेट्स है और 16 क्रिस्टल पल्सेज अवेलेबल। द फर्स्ट 6 क्रिस्टल पल्सेज आर यूटिलाइज फॉर द फेचिंग ऑफ कोड एंड रिमेनिंग 6 आर यूज फॉर द एग्जीक्यूशन। द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मे रिक्वायर्ड वन और मोर देन वन सच अ मशीन साइकिल, इट डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन टाइप, इंस्ट्रक्शन टाइप पे डिपेंड है वो। द इंस्ट्रक्शंस आर फेच एंड एग्जीक्यूटेड बाय 8051 ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग विद द इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस 4x00000H आफ्टर रिसीव। मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी इज डिफाइन एज क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जितनी रहेगी डिवाइड बाय 12, दैट इज कॉल्ड एज अ मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल इफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज़ देन मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी इज ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज़, बिकॉज 12 by 12 it is to be a 1 megahertz, which gives the machine cycle rates of 1 MIPS
MIPS. Then calculating instruction execution timing. This is very important कि भाई execution timing कैसे calculate करना. Okay, so let me discuss in next. Thank you very much.